नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल खबर 24 न्यूज में। आज की तमाम और अहम खबरों के साथ मैं फिर दोस्त शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। CDS बिपिन रावत की स्मृति में कुशवाहाश्री क्लिनिक पर हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन। आज 19 दिसंबर को नून हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 227 रोगियों का परीक्षण किया गया। परीक्षण हेतु नून हॉस्पिटल के डॉक्टर जिग्नेश कुमार जनरल सर्जन, डॉक्टर राखी सोनी महिला रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर जय नारायण हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र विभाग की टीम सुदीप घोष, मनोज पवार ने अपनी सेवाएं प्रदान की। समाज सेवी डॉक्टर सुमंत कुशवा ने भी सभी रोगियों का मार्गदर्शन किया। नून हॉस्पिटल ऑपरेशन इंचार्ज ईशा भटनागर और नून हॉस्पिटल प्रबंधक देवव्रत मुखर्जी ने बताया कि शिविर में पंजीकृत मरीजों को नून हॉस्पिटल में 7 दिन तक OPD निःशुल्क रहेगा, तथा जो मरीज इस शिविर के माध्यम से ऑपरेशन के लिए चयन किए गए हैं उन्हें जाँचों में तथा ऑपरेशन में 20% की छूट दी जाएगी। शिविर के प्रारंभ में CDS बिपिन रावत के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि प्रदान की गई। अतिथियों में राजेश सेठिया भाजपा जिला उपाध्यक्ष, राजेंद्र जैन अनोक, दिनेश पाटीदार पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष, कचरूलाल नगर ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, ML कुशवा, सुरेश सेठिया, पंकज सेठिया, कृष्णकांत सेठिया, के भट्ट आदि उपस्थित रहे। एक नून हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क कैंप आयोजित किया है, जिसमें कुशवा क्लिनिक के माध्यम से ये कैंप रखा जा रहा है। किस तरह का कैंप है सर ये? बहुत बढ़िया कैंप है, बहुत सब मरीज भी आए हैं और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है और पेशेंट बहुत आए हैं। कैंप का पूरा मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है, कोई तरह की कोई मतलब परेशानी हुई नहीं है। सर नून हॉस्पिटल आपने संभाला है, तो किस तरह का नून हॉस्पिटल का सर किस तरह का मैनेजमेंट है और क्या देखा है आपने वहाँ पे? मैनेजमेंट वहाँ पे भी अच्छा है और यहाँ जो कैंप वालों के उसका भी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और कोई परेशानी नहीं हुई है, मतलब वहाँ से यहाँ आने में भी नहीं हो रही और यहाँ पे भी कैंप का मतलब अच्छे से सब हुआ है। कोई सर क्रिटिकल केस आपने देखा है जो कि ऑपरेशन के लायक हो? हाँ, इसमें आया एक हर्निया का पेशेंट आया है, फिर एक माइनर 2-3 ओटी माइनर आए जी, फिर एक इमरजेंसी कैथेटर। और क्या समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं? आज मैं डॉक्टर सुमंत कुशवा यहाँ कुशवाहाश्री क्लिनिक पे निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया है, जो अपने CDS विपिन जी रावत की स्मृति में आयोजन किया गया है, जिसमें नून से विशेषज्ञों की टीम, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन और नेत्र विभाग की पूरी टीम आई है, जिन्होंने विभिन्न रोगों के संबंधित विभाग के रोगों के रोगियों की जाँच करी तथा उनका परीक्षण कर उनको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। समाज के जो व्यक्ति वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, इतने गरोड़ से नून हॉस्पिटल लगभग अपने को यहाँ से जाना है, प्राइवेट वाहन करके जाएं तो अब अतिरिक्त व्यय जो करना पड़ता है, तो यहीं पे अपने गरोड़ में वह सुविधाएं सभी मरीजों को मिली है तथा उचित मार्ग मिलने पे उसका उचित निदान हो सकता है। और इसका जो उद्देश्य केवल और केवल यह है कि लोगों की जितनी सेवा हो सके, जितना उनको लाभ मिल सके उतना उनको लाभ प्रदान। हॉस्पिटल भवानी मंडी की तरफ से जो कैंप निःशुल्क चिकित्सा सेवा का रखा है, जिसमें प्रसूति हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र और सामान्य चिकित्सा के संबंध में जो क्लिनिक के जाँच रखी गई है, वो चूँकि थाने के सामने हैं और मैं समझता हूँ कि पुलिस को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, रात दिन जगते रहते हैं और आज हमको यहाँ पर बुलाया और इस निःशुल्क चिकित्सा का लाभ दिया, मैं आपका ताउम्र आभारी रहूँगा। कारण कि ये जो कैंप रखा गया है, ये हमारे राष्ट्रीय CDS राक्षस सेवा के जो विशेषज्ञ है विपिन जी रावत जी के स्वर्गीय उसमें संदर्भ में रखा गया है, ये देश सेवा के में पहला कैंप है जो ये निःशुल्क इस संदर्भ में रखा गया है। मैं उनके भी चरणों में श्रद्धांजलि देते हुए इस आप सभी को शुभकामनाएं। आज मैं गरोठा है, यहाँ पे एक जैसे मल्टी स्पेशलिटी कैंप था, इसमें हड्डी से संबंधित लगभग 40-50 पेशेंट हैं। इसमें जो हमने देखा है यहाँ पे कि यहाँ पे जोड़ से संबंधित समस्या है, आर्थराइटिस है, लंबर पेन, सर्वाइकल स्पाइनल आर्थराइटिस या शोल्डर पेन के बहुत सारे पेशेंट हैं, जो फ्रोजन शोल्डर है, सीवियर आर्थराइटिस है, तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। और यहाँ पे पेशेंट जो भी गरोठ के पेशेंट हैं उनको घर आके ये सुविधाएँ मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है और इससे पेशेंट को काफ़ी सारा फायदा होगा। और ये हम चाहते हैं कि ये मतलब वीकली
कैंप लगे यहाँ पे, तो काफ़ी सारे पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा इससे, और इससे जो बड़े हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं वो छोटे जगहों पे भी मिल पाएंगी। भवानी मंडी के समीपवर्ती गांव आंवली में काव्य गोष्ठी का आयोजन संपन्न हुआ। आयोजनकर्ता राकेश शर्मा ने बताया कि आज आयोजित काव्य गोष्ठी में झालावाड़ जिले के साहित्यकारों व कवियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंडित ओम प्रकाश कश्यप संधारा वाले, कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार जार जिला अध्यक्ष भंवर सिंह कुशवा, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल गुप्ता व राजन शर्मा है। काव्य गोष्ठी में साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से काव्य रस की सरिता बहाई और रंग जमाया। इस अवसर पर धनी राम जख्मी, आशा रानी जैन, राकेश ठावरिया, राजेश पुरोहित, महेश चौकसे, कुमारी राजेश चौरसिया, महावीर जैन, राजेंद्र आचार्य, अरुण गर्ग, सुनील राठौर, पालचंद वर्मा, नंद किशोर आदि ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर लंकेश दिलवाला ने भी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सरपंच पर्वतलाल, पूर्व सरपंच रामेश्वर गुप्ता व एडवोकेट लोकेश गुप्ता आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन लखन भावसार ने किया। चौमेला में ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स के आर्थिक सहयोग से चौमेला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। वर्चुअल समारोह में लोकार्पण के दौरान आरटीएम प्रमुख हरिमोहन वशिष्ठ झालावाड़ जिला कलेक्टर के साथ वर्चुअल जुड़े रहे व चौमेला में ऑनलाइन माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन समारोह में उपखंड अधिकारी रामावतार मीणा, आरटीएम के उप प्रबंधक दिनेश राज पुरोहित, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार बाघेला, उप प्रधान प्रतिनिधि संतोष जैन, पूर्व सरपंच नरेंद्र सिंह परिहार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट के मुख्य दरवाजे पर फीता काटकर शुभारंभ किया गया। ऑक्सीजन प्लांट के शुभारंभ के बाद आरटीएम की टीम द्वारा उपखंड अधिकारी को व आगंतुक जन प्रतिनिधियों को प्लांट का निरीक्षण करवाया गया। ऑक्सीजन निर्माण करने की प्रक्रिया बताई और समारोह को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी राम अवतार मीणा ने कहा कि राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स की चौमेला क्षेत्र को ये एक अनुपम जीवनदायक उपहार है। ये जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जो पिछली विपत्तियां जो विश्व में देखी गई है, जो भारत में भी देखी गई है कोरोना काल में, जिस एक ऑक्सीजन की कमी से सिंपल काफ़ी लाखों जाने गई है, उस में एक आरटीएम का एक छोटा सा सहयोग आपके चौमेले के लिए हमारी तरफ से किया गया है, जिससे कि जाने बच सके, जितनी हम कोशिश कर सकें उतनी जाने बच सके। आरटीएम तो जैसा कि बहुत बड़ा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, झालावाड़ में इसके अलावा भी कहीं प्लांट लगाए गए हैं या सिर्फ चौमेला के लिए? ऑक्सीजन प्लांट केवल चौमेला में ही लगाया है, लेकिन बाकी जो हमारे जो सामाजिक सरोकार में जो चीज़ें हैं हमारे भवानी मंडी में, हॉस्पिटल्स में सोनोग्राफी मशीन से बाढ़ पीड़ितों की सहायता है, जो भवानी मंडी की जो कच्ची बस्तियाँ उनमें पानी की टंकियाँ हैं, काफ़ी ये अपने क्षेत्र में आगे बढ़ के सामाजिक सरोकार में हमेशा उपस्थिति दर्ज कराती है और आगे भी कराती है। थैंक यू। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र में रास्ते के विवाद को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल बने सिंह ने बताया कि आरोपियों ने उसके घर पर पहले हवाई फायरिंग की एवं उसके बाद लकड़ी से पिता पुत्र को बुरी तरह पीटा, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमेला में चल रहा है। वहीं उन्हें उन्हील पुलिस ने जानलेवा हमले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो राहुल नाम से मैं जानता हूँ, उसने मेरे घर के सामने पिस्टल फायरिंग करी, पिस्टल हवा में फायरिंग करी, उसके बाद में फायरिंग करके उसने पिस्टल जेब में डाल ली। उसके बाद में जैसे घर से बाहर निकला तो तीनों चारों मेरे साथ में। क्या मामला है, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? बढ़िया वीर जी निवासी बने सिंह और बबलू सुंदर राजपूत ने अस्पताल चौमेला में पर्चा बयान दिया है कि उनके पड़ोस में रहने वाले ईश्वर सिंह सुंदर राजपूत से रास्ते के विवाद को लेकर रंजिश चल रही थी। उसी रंजिश को लेकर आज दिन के 2 बजे करीब जब ये घर पर पिता के साथ बैठा था, तब ईश्वर सिंह और उसके साथी उन्हेल निवासी राहुल, संजू और एक अन्य जिसका ये नाम नहीं जानता, 4 लोग वहाँ आए और इनके घर के सामने खड़े होकर गाली गलौज करने लगे। जैसे दोनों बाप बेटे उनको समझाने के लिए करके बाहर रास्ते में वह सामने आए तो इनका कहना कि एक के पास कट्टा था जिसने फायर किया,
और फिर इनको घेर कर इनके साथ जानलेवा हमला किया, ताबड़तोड़ लकड़ियों से चोट पहुंचाई, जिसमें दोनों बाप बेटे सिर की चोट से गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। चौमेला में स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक डक की एक मीटिंग रविवार को ब्लॉक अध्यक्ष संजय शर्मा की अध्यक्षता में कस्बे के एक्सीडेंट पब्लिक स्कूल में हुई, जिसमें आरटीआई भुगतान व रेड लाइन वाले स्कूल के भुगतान पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि जिन स्कूलों के आरटीआई स्टूडेंट के रेड लाइन आ रही है वह एसएसपी के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल शर्मा के निर्देशानुसार गूगल फॉर्म भरकर अपनी समस्या से एसएसपी को अवगत करवा दें, ताकि उनके भुगतान के लिए भी प्रयास किए जा सके। ब्लॉक प्रवक्ता रिजवान खान ने बताया कि बैठक में डग, चौमेला, गंगधार, उनहेल, कुंडला के निजी स्कूल संचालकों ने भाग लिया। बोलिया कस्बे में शनिवार को आरएसएस व जनसंघ के क्योवृद्ध कार्यकर्ता गिरधर लाल भावसार का निधन हो गया। वह 105 वर्ष के थे। दिवंगत भावसार जनसंघ के कार्यकर्ता रहे। वहीं उन्होंने जीवन पर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में सक्रिय रहकर कार्य किया। महेश भावसार ने बताया कि आज उनकी अंतिम यात्रा में गरोड़ के पूर्व विधायक चंद्र सिंह, पूर्व सरपंच हाजी सलीम मोहम्मद, मांगीलाल पाटीदार, समाज सेवी संदीप सिंह जादौन, राजू भावसार, सांवलिया भावसार, संजय जैन, बाल किशन भावसार, विमल जैन सहित बड़ी संख्या में कस्बेवासी शामिल रहे। सांवलिया भावसार ने बताया कि उनके परिवार में पुत्र मोहनलाल, सोहनलाल, हरिशंकर सहित भरा पूरा परिवार है। झालावाड़ जिले के पीपलिया चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा का पीपलिया चौराहे पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ जोरदार धूमधाम से स्वागत किया। साथ में हिंदू सेना प्रदेश अध्यक्ष कमल गुरु पाटीदार, युवा नेता बंसी चौधरी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा का साफा बंधवा कर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। झालावाड़ के CHC, मनोर थाना व सेटेलाइट हॉस्पिटल, जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना व सेटेलाइट चिकित्सालय झालरापाटन का लोकार्पण किया गया। CHC मनोर थाना के नवीन भवन निर्माण में 525 लाख रुपए एवं सेटेलाइट चिकित्सालय का निर्माण 1307.78 लाख रुपए लागत आई है। ICU व मॉड्यूलर OT मेडिकल कॉलेज SRG चिकित्सालय में 20 बेड मेडिकल ICU लागत 456 लाख, जनाना चिकित्सालय में 23 बेडेड PICU, 22 बेडेड ICU वार्ड, 15 बेडेड पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड लागत 643.54 लाख, मॉड्यूलर OT लागत 300 लाख का लोकार्पण किया गया। एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस व 108 मान्य मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत एवं मान्य चिकित्सा मंत्री महोदय परसादी लाल मीणा द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से सैटेलाइट चिकित्सालय झालरापाटन के लिए एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर के लिए 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायपुर क्षेत्र के माथनिया गांव में स्थित बालाजी मंदिर परिसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पीड़ा व ब्लॉक के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पंचायत समिति की सभी पंचायतों से आए कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी ग्राम पंचायत में कांग्रेस पार्टी की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। बैठक के मुख्य अतिथि प्रमोद शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को एकजुट रहकर पार्टी के लिए काम करने का आह्वान किया। वहीं कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने एवं सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ जन सामान्य को दिलवाने का प्रयास करने की बात कही। बैठक में माथनिया के पूर्व सरपंच मोहन राठौर, पंडित दुर्गा शंकर शर्मा, पूर्व सिंह गुजर, जनपद सुरेश बैरागी, जसवंत सिंह गुजर, पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण पाटीदार, बबलू शर्मा, अशोक शर्मा धरोनिया, हरीश शर्मा, नवीन जैन, मांगीलाल दांगी, श्याम बाबू पहलवान, राकेश दांगी, अशोक शर्मा, पंकज मेहर, भाव सिंह सहित आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। We'll be right back.
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार को झालावाड़ जिले के खानपुर के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने खानपुर क्षेत्र के चांदखेड़ी जैन तीर्थ में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव के समापन समारोह में भाग लिया और सांसद दुष्यंत सिंह के साथ जैन मुनि सुरासागर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से प्रातः 10 बजे खानपुर पहुंची, जहां भाजपा नेता व पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने चांदखेड़ी जैन तीर्थ में पंच कल्याणक महोत्सव के समापन समारोह में भाग लेकर मुनि सुरासागर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। चांदखेड़ी पहुंचने पर जैन समाज बंधुओं द्वारा राजे पर सांसद दुष्यंत सिंह का स्वागत कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने पंच कल्याणक महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस पवित्र महोत्सव के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि जैन मुनि सुरासागर महाराज के दर्शन कर वे खुद को धन्य महसूस कर रही है। राजे ने कहा कि झालावाड़ क्षेत्र का सौभाग्य है कि जैन संत सुरासागर महाराज के चरण कमल यहाँ पर पड़े। वहीं वसुंधरा राजे ने खानपुर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भी स्वागत किया गया। इसके बाद वसुंधरा राजे ने भगवान आदिनाथ के दर्शन कर आरती भी उतारी। इसके बाद राजे ने जिले के भाजपा नेताओं पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री कृष्ण पाटीदार, विधायक नरेंद्र नागर समेत जिला प्रमुख, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे खबर 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे बंधु कचोरी एवं मिस्टर भंडार। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एवं मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। छोड़ के मत दाऊ एक लीर बन यारा रे, बन यारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब जाको पा।
साहिब ने महल बनाई बन जा रा रे बन जा रा रे छोड़ के मत जाओ एक नीरा बन जा